गुड आफ्टरनून, यहाँ पर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो भाई ऐसे देखो इसको, ये रेड से रिडक्शन दिमाग में आना चाहिए और ओ एक्स से क्या दिमाग में आना चाहिए, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको नाम रखा गया, चूंकि रिडक्शन का मतलब होगा अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होगा उपचयन, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्लियर? अब ये होता क्या, ये खुद बता रहा है, ये जो अपनी डिफिनेशन खुद दे रहा है, मतलब आप सीधा बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? समझे? अपचयन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कि रिडक्शन को, बताओ? अपचयन, अपचयन कहते हैं रिडक्शन को। तो ये पहले क्या है बोलो, पहले क्या है? तो आप कहोगे पहले रिडक्शन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीरियल वाइज इसका आप ऐसे भी बोल सकते हो, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक। बस याद रखो कि रिडक्शन ये चीज होता है, जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन को कहते हैं अपचयन कहते हैं, रिडक्शन को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन होता है, हमें लगता कुछ गलत बता रहे हैं क्या, नहीं सही है, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन या जो है ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन या क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों, जो कि जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। अब कैसे, जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड है आपका, ये क्या है, तो आप कहोगे ये आपका है कॉपर ऑक्साइड, क्या है भैया, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड एक यौगिक है, क्लियर है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जा रहा है, क्लियर है, हाइड्रोजन गैस को, और इसको क्या किया जा रहा है, एक ताप इस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो हीट का सिंबल यही तो होता है ना, बोलो भैया, इसको गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तब क्या होता है इसमें, ऐसे समझो, देखो यहां पर बनता है CU, तो क्या हुआ, पहले में देखो CuO से क्या बन गया, तो आप कहोगे CuO से बन गया Cu, CuO से क्या बन गया Cu। अगर मैं पूछूं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, बोलो हुआ कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। अब बताओ जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन होता है कि उपचयन होता है, अपचयन होता है, तो ये अभिक्रिया यहां पर कौन सा हो रहा है, तो आप कह रहे हो अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है आपका, हाइड्रोजन गैस और ये जल, हाइड्रोजन गैस और ये वाटर, तो हाइड्रोजन गैस किस, हाइड्रोजन गैस किस में बदला, आप करो तो हाइड्रोजन गैस से क्या बना, आप करो हाइड्रोजन गैस से बन गया जल, तो हाइड्रोजन गैस में क्या चीज योग हुआ, तो आप करो हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन एड हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो बताओ ऑक्सीजन का योग किस में होता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का योग ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन में होता है, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुई। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, जहां पर आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी कि अपचयन कहलाना, रिडक्शन। यहां पर हाइड्रोजन गैस में जल मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस में चूंकि जल मिल रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग होने का मतलब उपचयन। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हैं, तो मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप सीधा बोल सकते हो ये किसका एग्जाम्पल है,
रिडक्शन रिडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल है, या ये समझ में आपने एग्जांपल दे दिया। बोलो भैया यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या? आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक तो ये ले लिया मैंने, ठीक। अभी समझने के लिए एक समझो बाकी क्या होता है क्या नहीं इसके बारे में। यहाँ से कई सारे टर्म बनते हैं, यहाँ से एक टर्म बनता है आक्षी कारक, ये समझ लो भैया, बड़ा कंफ्यूजन करता है। एक टर्म बनता है आपका ऑक्सी कारक होता है, और एक टर्म होता है ऑक्सी कारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। और एक होता है आपका अपचायक, एक क्या होता है आपका? अपचायक होता है। और अपचायक को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे अपचायक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज एक्चुअल में होता क्या है ना, ये चीज होता क्या है? तो देखो इसके इसको ऐसे याद कर लो, ये आक्षी कारक है ना, ये क्या है? आक्षी कारक है। तो जिस पदार्थ का आक्षीकरण होता है, जिस पदार्थ का क्या हो? आक्षीकरण हो। अच्छा आक्षीकरण का मतलब क्या कहोगे आप? तो आक्षीकरण का मतलब अपचयन के उपचयन, और आक्षीकरण का मतलब क्या आप बोलोगे? अपचयन के उपचयन, उपचयन आक्षीकरण का मतलब आप बोलोगे। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता भैया, आक्षीकरण का मतलब आप बोलोगे उपचयन। तो यहां थोड़ा सा उल्टा किया मैंने, उल्टा आपको बताना है, उल्टा बताना है, बस खत्म। आक्षीकारक क्या होता है? तो जिस पदार्थ का आक्षीकरण नहीं बल्कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ आक्षीकारक पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका अपचायक पदार्थ क्या होता है, तो आप कहोगे अच्छा इसका फिर उल्टा हो जाएगा, अपचायक है, अपचायक है ना, तो जिस पदार्थ का आक्षीकरण होता है, बस उल्टा चलना। अपचायक कौन होता है? जिस पदार्थ का क्या होता है? आक्षीकरण होता है। आक्षीकरण का मतलब आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए उपचयन। ये अपचयन उपचयन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको रट्टा मार लो भैया, कुछ भी कर लो कंफ्यूजन ना रहे। तो जिस पदार्थ का आक्षीकरण यानी कि उपचयन होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? अपचायक पदार्थ कहलाता है। अब यहां से हम पूछें, इसमें बताओ किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब क्या? आप कहोगे अपचयन का मतलब ये होगा, अपचयन का मतलब क्या? अपचयन का मतलब देखो भैया, इसको पहले रट्टा मारो, कुछ भी करो नहीं, साला ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, है ना। अपचयन का मतलब होगा रिडक्शन, अपचयन का मतलब क्या होगा? रिडक्शन, क्लियर है। और दूसरा होता है उपचयन, उपचयन, तो उपचयन का मतलब क्या बोलो? तो उपचयन का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, उपचयन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये कंफ्यूज मत हो, आप बताओ सॉल्ट में बताओ इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का ऐड होता है। अभी समझने के लिए बता दे रहा हूं, या ऐसे समझो इसमें क्या होता है भैया? ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऐड होता है, क्लियर है। ऑक्सीजन का ऐड होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? लॉस होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? लॉस होता है। अब इसमें मैं पूछूं इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें उल्टा होता है, इसमें जो हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है, है ना, यहाँ पर योग कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं? ह्रास कर देते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, और जो है ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। अब एक चीज और समझो, एक चीज आप और समझो, अगर अगर यहां पर कहां पर, यहां पर ऑक्सीजन का अपचयन में यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो अगर हम पूछ लूं
पूछ लें नेगेटिव आयन का। नेगेटिव आयन मतलब समझ रहे हैं, नेगेटिव आयन का यानी कि नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे, ऋणावेशित चार्ज, ऋणावेशित चार्ज, ऋणावेशित चार्ज या आयन, ऋणावेशित आयन का इसमें क्या होगा आप बताओ। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर ओ डबल चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ऑक्सीजन का ह्रास तो मतलब ऋणावेशित आयन का भी क्या होगा, ह्रास होगा। यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन क्या है आपको कहोगे पॉजिटिव आयन, तो हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ऋणावेशित चार्ज मतलब होता है आवेश, तो मतलब अगर मैं कह दूं धनावेशित आवेश का, धनावेशित आवेश का ह्रास होगा कि लॉस होगा, योग होगा, तो आप कहोगे चूंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन जो कि एक धनात्मक आयन है, इसका मतलब धनात्मक आवेश की भी यहां पर क्या होगी, वृद्धि होगी, योग होगा। क्लियर है? अब यहां पर इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव आयन है, इसका मतलब अगर यहां पर मैं पूछूं, यहां पर आपसे मैं पूछूं, यहां पर बताओ ऋणात्मक आवेश है ना, ऋणात्मक आवेश का क्या होगा, आप कहोगे योग होगा, है ना, क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है ऋणात्मक आवेश है, तो योग होगा। और यहां पर क्या होगा, आप कहोगे जो धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा, आप कहोगे ह्रास होगा। इसे शायद थोड़ा कम समझ में, अब ध्यान से समझो, है ना, जैसे मैं कह दूं, देखो ऐसे समझो, ये है आपका कौन सा आयन है, तो आप कहोगे आयोडाइड आयन है, आयोडीन से बना है, आयोडाइड पर एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आयोडीन का सिंबल आई होता है ना, तो आयोडाइड है, इसको हम मिला रहे हैं क्लोरीन गैस, किससे मिला रहे हैं क्लोरीन गैस, क्लियर है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तब चूंकि क्लोरीन गैस जो होता है क्लोरीन पर एक चार्ज होता है, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, एक चार्ज होता है ना, तो दो क्लोरीन है, इसका मतलब यहां पर इस क्लोरीन के पास कितना चार्ज होगा, आप कहोगे दो इलेक्ट्रॉन होगा, इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, मान रहे हो कि नहीं, ये चीज दो इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन देखिए 2Cl- दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का दे दिया, यहां पर ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, और जब इधर जाएगा तो ये जो है नेगेटिव चार्ज की वृद्धि यानी कि I2 हो जाएगा, आयोडीन गैस बनेगा, क्या बनेगा आयोडीन गैस बनेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगेगा। समझ में नहीं आया, इसको ऐसे समझो, देखो एक रासायनिक अभिक्रिया है, आप मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, मान रहे हो ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है ना, या ऐसे समझो वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब बताओ इसमें कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो आप कहोगे देखो इसमें कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो आप कहोगे इसमें Cl2 जो है ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये देखो दो नेगेटिव दो आयन को ये क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, दो नेगेटिव आयन को ग्रहण कर रहा है, तो ऐसा पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, तो ये जो है ऑक्सीकारक पदार्थ ये है और इसमें हो रहा है। नहीं समझ में आया इसको मारो गोली, इसको हम बाद में समझाएंगे, अब 100 में सीधी बात एक याद रखो कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का अपचायक सॉरी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है उसे कहते हैं अपचायक। देश भर का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पका रहे हैं तुमको, दो मिनट से क्लियर है,
अभी आपको मेन है समझना, बाकी उसके भी बारे में बताएंगे चीजें कैसे क्या होती। क्लियर है, समझे? इतना अभी मैं रफली ऐसे पूछ रहा हूँ, इसमें बताओ कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आप कहोगे सर जी सी यू ओ का अपचयन हो रहा है। एक्चुअली सी यू ओ का अपचयन हो रहा है, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो सी यू ओ क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, समझे? और ये क्या होगा फिर? अपचायक होगा, क्योंकि इस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। बस वहां पता रहे थे आयन ग्रहण करता है, ये करता है, वो करता है ना, वो भी बताएंगे। लेकिन अभी मेन है हम लोग बात किस पर कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया? रिडॉक्स को अपचयन या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है? सीधा 100वें सीधी बात याद रखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। तो आपने देखा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो यहाँ पर अपचयन हुआ, क्योंकि ये आपने साइड में लिखा। देखिए अपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, आप यहाँ पर अपचयन हुआ। क्लियर है ना? दूसरा आपने देखा हाइड्रोजन में क्या ऐड हो जा रहा है? ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो दूसरा आपने क्या देखा? जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ऐड होता है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ये होती है ना। देखो ये चीज फिर से मैंने लिख दिया और एक ये इधर आपका लिख दिया। तो इस बेस पर यहाँ पर मैंने क्या किया? इसका उपचयन हो रहा है। अब इस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक कौन है? CuO। और जिस पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें अपचायक कौन है? तो आप कहोगे H2 है, हाइड्रोजन। समझ में आया? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है सारी चीजें? इसे नोट डाउन करिए पहले। देखिए यहां पर दो अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक जो धर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब यहां पर ध्यान से समझो, है ना, पहले आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसे नाम से क्लियर, जिसमें उष्मा का छेप हो जाए, उष्मा का छेप हो जाए, उष्मा चेप दिया जाए, उष्मा ऐसे निकले प्रवाहित हो, इग्जो मतलब होता है बाहर, है ना, धर्मिक रिलेट करता है थर्मल से, ऐसे नहीं समझ। जैसे मैं एग्जांपल कहूं कि जैसे जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है, किसका दहन होता है भैया? प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, या जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है, यानी प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो तो बनते ही हैं, लेकिन उसके साथ में उसमें उष्मा निकलती है। उसमें क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। अब यहां पर प्राकृतिक गैस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन गैस CH4। यह किसका फार्मूला होता है? मीथेन गैस का फार्मूला होता है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, कुओं में पाया जाता है। क्लियर है भैया? जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, तो उस अप्राकृतिक गैस को जब जलाया जाएगा तो भाई किसकी उपस्थिति में जलेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना ये भाई। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो आप कहोगे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो CH4 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तब क्या होता है? यहाँ का कार्बन, यहाँ का ऑक्साइड, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, और इसके साथ में यहां पर हाइड्रोजन, है ना, और यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यानी कि इसके साथ में वहां पर जल बनता है। क्लियर है? जल बनता है। अब इसको ऐसे मैं समझाता हूं, थोड़ा सा हो सकता है रिलेट आप कर पाओ। देखो कब, जब कूड़े करकट को जलाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे पीसेस रहते हैं जो कि हल्का गीले से रहते हैं, या गीले नहीं भी रहते हैं, तो आप जब जलाते हो तो उनमें से देखो जलते समय पानी के बूंद की तरह बुझबुझाते हैं, मतलब एक समझ रहे हो ना तो जलते हैं लेकिन वो धुओं के साथ जलते हैं, कुछ है देखे होगे आप लोग,
धुएं की मात्रा ज्यादा रहती है और उसमें कुछ नमी ऐसे पानी के बूंदों की तरह जो है पानी जैसे पानी होता है ना, बुलबुले होते हैं जो पानी के, तो पानी के बुलबुले जैसे निकलते दिखाई देते हैं, तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो जब प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन के उपस्थिति में या जब प्राकृतिक गैसों का दहन करेंगे वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब वहां पर उष्मा निकलती है और कौन सी गैस बनती है, तो गैस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उष्मा निकलती है लेकिन इसके साथ नमी होता है ना, यानी कि जल वाष्प आपका बनता है या जल बनता है। हाँ, ये भी गैस के फॉर्म में निकलता है और जो जल रहता है वो भी भाप के रूप में उड़ जाता है, है ना, भाप के रूप में वो भी, और इसके साथ में क्या निकलता है भैया, उष्मा निकलता है। तो ये है आपका उष्मा छेपी, क्योंकि उसमें उष्मा छेप रहा है, देखो उष्मा बाहर निकल रही है, तो जिसमें जिस अभिक्रिया में, अब उष्मा छेपी अभिक्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है, कंडीशन है कि अगर उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, उष्मा निकल रही है प्रोडक्ट के साथ, तब वो होगी उष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। समझ पाए इतना? अब जैसे क्या, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी उसे मिटाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते आए हो फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो, तो आप वहां पर देखते थे फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, बनता है स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है भैया, ग्लूकोज बनता है, वो भी किस फॉर्म में, आप कहते हो स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, है ना, या ऐसे समझो यार, फोटोसिंथेसिस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होता था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता था और जल होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था और क्या होता था, जल होता था, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता था, और ये सब किसकी उपस्थिति में, आप कहते हो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पौधों में क्या होना चाहिए था, कंडीशन क्या थी, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति से, पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति से ये क्या बनाता था, तो आप याद आ रहा होगा ये बनाता था C6H12O6, याद आया कुछ, C6H12O6, यानी कि अपना ये भोजन बनाता था, ग्लूकोज बनाता था, इसके साथ में ऑक्सीजन गैस देता था, खैर अभी ये हटाओ, अब ये चीज वो तो वो था फोटोसिंथेसिस में था। श्वसन में क्या होता है, यहां पर एक मैं एग्जांपल बढ़िया लिख दे रहा हूं, श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया, श्वसन क्या है, एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया है, श्वसन क्या है, एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया है, है ना भैया। अब इसमें होता क्या है, तो देखो भाई हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो आप कहोगे हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा हमें किससे मिलती है बोलो, तो आप कहोगे ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से मिलती है, और भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, तो आप कहते हो जब भोजन का पाचन होता है तब हमें उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पाचन प्रक्रिया में क्या होती है, तो आप कहते हो छोटे छोटे खाद्य पदार्थ को, है ना, छोटे छोटे मतलब खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, है ना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, है ना, ऐसे समझो। जब आप कोई चीज खाते हो, यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ C6H12O6, कोई ऐसी चीज खाते हो जिसमें ग्लूकोज होता है, और आपको पता है ग्लूकोज लगभग हर चीज में होता है, रोटी आप चबाकर खाओ तो रोटी भी एक समय बाद मीठी लगने लगती है मुंह में, नहीं समझे, यानी कि हमारा भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरुआत होता है, और सबसे पहले स्टार्च या ग्लूकोज का ही पाचन होता है। कैसे होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं चबा चबा कर खाते हैं तो एक समय बाद उसमें मिठास पनसा आ जाता है ना, जब हमने खाया, या आप ऐसे समझो मैंने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, वो भी ऐसे आप आसानी से समझने के लिए, मैंने ग्लूकोज को लिक्विड फॉर्म में लिया, हो सकता है चीनी पानी नींबू घोल कर मैं पी रहा हूं, क्लियर है, जब ऐसा मैं पी रहा हूं तो आप बताओ क्या उसके जब अंदर में जाएगा तो हमारे अंदर में ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं,
तो हमारे अंदर में ऑक्सीजन गैस क्या करता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस भोजन को पचाने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन गैस भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, रक्त का परिवहन करने में हेल्प करता है अच्छे से। जब ये ऑक्सीजन गैस के मतलब आपने लिक्विड फॉर्म में इसको ग्लूकोज का विलयन लिया और ये अंदर में गया ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन, तब ये क्या होगा भैया, हमारे अंदर जाकर ऊर्जा बनाएगा कि नहीं, हमें ऊर्जा देगा कि नहीं, बोलो भैया। जब ऊर्जा देगा तो आप बताओ क्या इसमें से कोई जल नहीं प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, बोलो भैया, जल तो प्राप्त होगा ही। इसके साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, क्योंकि कार्बन को तो अवयव तो है ही ना, और अल्टीमेटली कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर यानी कि यही श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, अभिक्रिया होता है, तब वहाँ पर वो ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आप कहोगे ऊर्जा निकल रही, उष्मा निकल रही, इसलिए क्या होगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अब आई बैलेंस करने की बात, C6 बार है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे हमें कार्बन पूरा करना, तो मैंने यहाँ 6 लगा दिया, कार्बन तो मेरा पूरा हो गया लेकिन बाकी दूसरा पंगा हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार आप कह रहे हो, 12 बार है। पूरा करने के लिए आप क्या करोगे बताओ, पूरा करने के लिए आपने कहा कि अच्छा यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, 6 × 12 हाइड्रोजन भी 12 पूरा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 6 × 2 = 8, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ देखो 6 × 2 = 12 और 6 × 6 यानी कि 12 × 6 कितना हो गया, आप कहोगे 18 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 18 हो गया, है ना। और हमारे पास इधर ऑक्सीजन कितना है, केवल 6 है, तो अगर हम यहाँ 6 लगा देते हैं तो 6 × 2 = 12 और 6 × 18 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बिना, बस। तो ये आपकी कैसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है ना, ऊर्जा हमें भाई जब हम खाते हैं लिखते हैं तो क्या हमें एनर्जी नहीं प्रदान होती है, तो एनर्जी इस अभिक्रिया से निकला होगा तभी तो एनर्जी प्रदान हुई, तो ये कैसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब आते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, किस पर आते हैं भैया, उष्मा शोषी अभिक्रिया पर। अब ध्यान से समझिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया को मैंने बोला, इसको बोला जाता है इंडोथर्मिक, इसको क्या बोला जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। अब आपका दिमाग काम करेगा थोड़ा सा कि अच्छा मतलब उष्मा क्षेपी में उष्मा उत्पाद के साथ निकल रही इसलिए इसको बोला गया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये उष्मा शोषे मतलब उष्मा का शोषण होगा। हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, इसमें क्या होगा, उष्मा का शोषण होगा, लेकिन अब प्रश्न आया उष्मा का शोषण कहाँ से होगा, तो ये होगा आपके वातावरण से होगा। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना, एक एग्जांपल है आपका, इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HG, ये पारा का सिंबल है याद रखना, मरकरी भी बोलते हैं पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी या जो है पारा का सिंबल है, तो HgO का मतलब हुआ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब मतलब इसका जो है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक परिवर्तन होता है, तब रासायनिक परिवर्तन के समय ये क्या करती है, वातावरण से उष्मा लेती है, क्लियर है। और वातावरण से जब उष्मा लेती है तब यहाँ पर क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और मरकरी जो है अवक्षेप के रूप में बचा रह जाता है, है ना। मरकरी जो है यहाँ लिक्विड फॉर्म में बचा रह जाता है, ऑक्सीजन जो है वो गैसेज फॉर्म में निकल जाती है। अब प्रश्न आया, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपने लिया था, इसको आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब प्रश्न आया कैसे बैलेंस किया जाए, तो भाई
ऑक्सीजन दो बार है, मैंने दो कर दिया, एच जी दो बार हुआ यहाँ पर, मैंने दो कर दिया, बैलेंस हो गया। अब ऐसे समझो, अब आते हैं जो पहले मैंने बात करके छोड़ दी। अब क्या है, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो आप बताओ प्रकाश, यहाँ पर एक एग्जांपल बढ़िया लिखना। और ये पूछा जाता है भाई श्वसन कैसे अभिक्रिया, उष्मा छेपी है और जो है, अगर मैं पूछ लूं प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है तो आपको क्या बोलना है भैया, प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब कैसे इस चीज को देखना है, प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब कैसे होती है ये चीज समझना जरूरी है ना, कैसे होती है ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो देखो अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, आप बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में है ना, सूर्य के प्रकाश को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पौधों को क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ है ना सूर्य के प्रकाश और पौधों में कौन से पिगमेंट की उपस्थिति से, क्लोरोफिल की उपस्थिति से अपना भोजन बनाता है। और ये अपना भोजन किस रूप में बनाता है, तो आप कहते हो स्टार्च के रूप में बनाता है, C6H12O6 के रूप में बनाता है। इसके साथ में ऑक्सीजन गैस देता है और ये जल भी पैदा करता है। ऑक्सीजन गैस मिलता है कि नहीं पौधों से। अब यहाँ पर आती है बैलेंस करने की, यहाँ पर आती है बैलेंस करने की। तो C6 है, यहाँ पर आपने C6 कर दिया, क्लियर है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 12 है और 12 दो 14, आप यहाँ पर हाइड्रोजन आपको यहाँ डायरेक्ट 12 लगा देना। अब क्यों लगाना है मैं इसका भी रीजन बता रहा हूँ, क्लियर है। अब जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 दूना 24 हो गया, आपको पूरा करना है। यहाँ पर 12 तो है, यहाँ पर आप 6 लगा दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 हो गया। कार्बन पूरा है, आप बताओ पूरा है कि नहीं। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 18 हो, देखो यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ 12 है। यहाँ पर ऑक्सीजन आप देखो यहाँ 6 बार है, यहाँ 6 बार है और यहाँ आप लगा दो 6। नमस्ते, यहाँ पर लगा दो 6, बस हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है, अब आपका दिमाग खराब, ये जो भैया सूर्य का प्रकाश है आप बताओ ये उष्मा है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश उष्मा के साथ होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी भोजन बनाता है पौधा। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, ऐसे समझो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पौधा भोजन अच्छे से नहीं बना पाता। तो ये सूर्य का प्रकाश ले रहा है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण कर रहा है। किस रूप में कर रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे सूर्य के प्रकाश के रूप में कर रहा। समझ में आया भैया, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश के रूप में उष्मा का क्या हो रहा है, आप कहोगे उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, इसलिए आगे आप लिख सकते हो ना, इसलिए कैसी अभिक्रिया है तो आप कहोगे ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बताओ समझ में आया, इसको नोट डाउन करें।